पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे एवं भाजपा युवा नेता सृजन यादव ने राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लोगों से जुड़ने के लिए उन्होंने युवा पंचायतों का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। आज रेवाड़ी शहर के रॉयल गार्डन में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इससे पहले वे बावल विधानसभा के गांव में युवा पंचायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दक्षिण हरियाणा के अलग-अलग स्थानों पर इसी तरह से युवाओं के बीच वो पहुंचेंगे। बता दें कि सृजन यादव रघु यादव के बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भतीजे हैं। रघु यादव को जल युद्ध नायक के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 1987 में रघु यादव ने चौधरी देवीलाल की अगुवाई में लोकदल से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद इलाके की लड़ाई के चलते उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या उस समय रघु यादव ने इस्तीफा देकर गलती की थी? इस बारे में उनके बेटे का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सृजन यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि सृजन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हुई बैठक में उन्होंने कहा कि वो लोकसभा के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनके पिता के समय की टीम आज भी उनके साथ खड़ी है। आज हमने रेवाड़ी विधानसभा में अपनी दूसरी युवा पंचायत की है। पिछले सप्ताह हमने बावल में पहली युवा पंचायत की थी, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम खाली रेवाड़ी बावल नहीं, खाली रेवाड़ी जिला नहीं, हम इसे महेंद्रगढ़ जिले में और गुड़गांव जिले में भी लेकर जाएंगे। इसका मकसद ये है कि सभी युवा साथियों से संवाद करना है। मेरे पिता का अपना एक संगठन रहा है, बहुत बड़ा संगठन रहा है, बहुत मजबूत संगठन रहा है। उनके साथियों ने, उन्होंने मिलके इस इलाके के लिए भी एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है और इस इलाके के हक हिस्से हिसाब की आवाज़ उठाई है। वो जिला बनाने से लेकर ये जो आज यूनिवर्सिटी बनी है, इसका रीजनल सेंटर खुलवाना, मसानी बराज पूरा कराना, इस इलाके की शहादत को सम्मान दिलाना, हीर मैनेजमेंट का मुद्दा उठाना, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए थे। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ अभी आधे अधूरे हैं, और कुछ को हम अब शुरुआत करके उनकी, युवाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़े, इस पर संवाद करने के लिए निकले हैं। और हमारे संगठन में बहुत युवा जुड़ चुके हैं, बाकी साथी हर रोज़ मेरे से संपर्क में रहते हैं, जुड़ रहे हैं। ये गैर राजनीतिक संगठन है आज की तारीख में, पर ये वो संगठन है जो इस इलाके का युवा या इस इलाके के हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, पार्टी लाइन से हटकर भी उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो हम लोग करेंगे, और यही इस पंचायत का, युवा पंचायत का उद्देश्य रहेगा। सर, विधानसभा की तैयारी या लोकसभा की तैयारी? सब, ये तो मैंने कहा अभी भी कि मैं पार्टी का अनुशासित एक कार्यकर्ता हूँ। बाकी तो जितने भी लोग हैं सब पार्टी में किसी ना किसी के पास कोई पद है, मैं तो काम भी कार्यकर्ता की हैसियत से करता हूँ। और वो जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगी लेके 2019 से आज तक, हमने और हमारे साथियों ने बखूबी निभाई है। तो ये तो पार्टी बताएगी कि कौन सा चुनाव लड़ना है। बाकी हमने सदा चुनावी राजनीति को देखा है, समझा है, तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और रघु यादव जैसा बोलने वाला व्यक्ति, सच्ची बात तो ये है, अब आप मेरे से सारी बातें कैमरे पे बुलवा दोगे, वैसा व्यक्ति किसी पार्टी को चाहिए नहीं। जो व्यक्ति आकर वो कहते हैं यार ये आएगा फिर ये पानी भी मांगेगा, रोजगार भी मांगेगा, हिसाब भी मांगेगा, कहाँ से देंगे? अभी 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 जो बातें चीजें कर रहे हो आप, वो भी तो वही है कि रोजगार की बात है। बीजेपी बिल्कुल है, बिल्कुल है, पार्टी में उसका विरोध कर रहे हो? बिल्कुल है, विरोध की बात नहीं, मैंने कहा विरोध किया? मैं तो अपनी युवा पंचायत की आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पर मैं अपने लोगों की चिंता भी करता हूँ। मेरे को अपने लोगों की चिंता करने से तो कोई नहीं रोक सकता, मैं बोलूँ भी ना भाई, बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। इस्तीफा दिया तो कहीं गलती तो नहीं थी उस समय? नहीं साहब, बिल्कुल गलती नहीं थी, इस्तीफा दिया ही लोगों के हक हिस्से के लिए था, इस्तीफा दिया था रोजगार के लिए, और ये कह के दिया था कि मैं जा रहा हूँ और अपने जैसे 10 लेके आऊंगा। वो दिक्कत ये हुई कि वो 10 नहीं मिले, पर वो संघर्ष तो जारी रहा। और खाली MP MLA बनना राजनीति नहीं होती, नेता बनना, अपने लोगों की आवाज़ उठाना, अपने लोगों के मुद्दे उठाना, उनकी पीड़ा को बयां करना, ताकि दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों की पंचायतों में वो मुद्दे गूंजे,
उनकी सुनवाई हो, ये ज़रूरी है। हम भी इसी राजनीति को देख के राजनीति में आए और इसी तरह की राजनीति पर चलने का प्रयास रहेगा।